नमस्ते दोस्तों, जिन मरीजों को ACL इंजरी हुई है उनके लिए मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। ACL इंजरी की सर्जरी कब कराएं, इसकी सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ACL लिगामेंट इंजरी एक बहुत ही कॉमन इंजरी है और हमें कई व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ACL इंजरी की सर्जरी कितनी जल्दी करानी चाहिए या कितनी लेट करानी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले ये माना जाता था कि अगर ACL की इंजरी शुरुआती 6 हफ्ते में कराएं तो उसमें स्टिफनेस यानी कि घुटना जाम होने का रिस्क होता है, परंतु अब नई स्टडीज़ में ऐसा आ गया है कि ऐसा नहीं होता है और ACL लिगामेंट की सर्जरी पहले 6 हफ्ते में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। कई व्यूअर्स ने हमसे ये भी प्रश्न पूछा है कि क्या ACL की इंजरी की सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी होती है। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कभी भी ACL इंजरी की सर्जरी इमरजेंसी में नहीं कराई जानी चाहिए। ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, ये एक प्लांट सर्जरी है। आप देखभाल के सूझबूझ के पूरी अच्छे से रिसर्च करके ACL की सर्जरी कराने का निर्णय लें। ये फ्रैक्चर की सर्जरी नहीं है, इस सर्जरी को इमरजेंसी में कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि ये सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी है तो ये गलत बात है, ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। इसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। कई व्यूअर्स हमको ये भी क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर साहब, क्या अगर हम इस सर्जरी को लेट करते हैं तो कुछ नुकसान होता है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको लिगामेंट इंजरी है और आप उस लिगामेंट इंजरी वाले घुटने का प्रयोग करते रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप लंबे टाइम तक उस घुटने पर चलते रहेंगे, उस घुटने को यूज़ करते रहेंगे, तो घुटने में और इंजरी बढ़ने का रिस्क होता है। इसलिए हम ACL डेफिशिएंटली, मतलब जिस घुटने में ACL लिगामेंट नहीं है, उस पर बहुत काम करने की सलाह आपको नहीं देते हैं, क्योंकि ये आपके घुटने के अंदर की इंजरी को बढ़ा सकता है और इंजरी कम से ज़्यादा हो सकती है। गादी के अंदर इंजरी हो सकती है, दूसरे लिगामेंट में इंजरी हो सकती है और घुटने में घिसारा भी आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि लिगामेंट सर्जरी को जल्दीबाजी में कराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, परंतु लिगामेंट सर्जरी को ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए। तो एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत लेट भी ना करें कि अपने ही घुटने को आप नुकसान पहुँचा दें। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आप देखें और उसके अनुसार निर्णय लें। अगर आपको ACL सर्जरी करानी है तो आपको कई सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहला कि आप जहां पे ACL सर्जरी करा रहे हैं उस हॉस्पिटल में लिगामेंट सर्जरी कितनी की जाती है, उस हॉस्पिटल में कितने हाई वॉल्यूम्स में वो सर्जरी की जा रही है। जिन हॉस्पिटल्स का वॉल्यूम कम है उनके रिजल्ट्स थोड़े कम अच्छे होते हैं, जिन हॉस्पिटल्स का वॉल्यूम ज़्यादा है उनके रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक उसी तरह से जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहे हैं उनके सर्जिकल वॉल्यूम्स का हैं, जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहे हैं वो महीने में या साल में कितनी लिगामेंट सर्जरी करते हैं और उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो रोज के कितनी सर्जरीज कर रहे हैं। जिन डॉक्टर्स के वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं उनकी सर्जरी और उनके रिजल्ट्स डेफिनेटली थोड़े बेहतर रहते हैं। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है, जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कोई टीचिंग फेलोशिप प्रोग्राम है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर जो सेंटर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे दूर दूर से ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं फेलोशिप के लिए और ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो जो सेंटर्स में फेलोशिप ट्रेनिंग होती है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स दूर दूर से लिगामेंट सर्जरी आर्थोस्कोपी सीखने आते हैं, उन सेंटर्स का जो रिजल्ट हैं वो डेफिनेटली दूसरे सेंटर्स के मुकाबले बेहतर रहता है। अब हम वापस उसी के क्वेश्चन पर आते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आपको या हमको ये इंजरी होती है तो उसको कराने का सही समय क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दीबाजी में, इमरजेंसी में बिल्कुल भी नहीं कराएं और बहुत लेट भी नहीं करें। अगर मेरे पास पेशेंट चोट लगने के बाद तुरंत आ जाता है तो मैं आमतौर पर मरीज़ को यह सलाह देता हूं कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, आप ऑपरेशन प्लान कर लीजिए। जब भी आप बोलेंगे आपकी अर्लीएस्ट कन्वीनियंस पे हम ये सर्जरी को शेड्यूल कर सकते हैं।
मैं पर्सनली मानता हूँ कि 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये अच्छा पीरियड है सर्जरी को करने का, क्योंकि उस टाइम पे जो है सर्जरी के जो इंजरी की सूजन है वो भी कम हो जाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई चीज़ जो आई है जो आजकल हम करते हैं कि ACL रिपेयर करके एक सर्जरी जो आजकल हम करने लगे हैं, जिसमें जो है ग्राफ्ट डालने की आवश्यकता नहीं होती है, जो लिगामेंट ओरिजिनल लिगामेंट होता है उसको ही हम वापस अपनी जगह पर चिपका के रिपेयर कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ये शुरू के टाइम में संभव है, मतलब अगर आपके इंजरी को करीबन 5-10 दिन से लेकर महीना से लेकर 1.5 महीना हुआ है, उस समय तक ये जो लिगामेंट रिपेयर की सर्जरी है वो संभव है। तो अगर आप डॉक्टर के पास एक सही समय पे पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली ACL रिपेयर भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है कुछ सेलेक्टेड केसेस में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये डिसाइड करने पे कि आपकी ACL सर्जरी का सही समय क्या होना चाहिए और आपको सर्जरी कहाँ करानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको, जब अगर आपको ACL इंजरी है तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप देरी करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा देरी करी, तो उसे 3 या 4 नुकसान हो सकते हैं आपको। पहला, घुटने के अंदर बाकी लिगामेंट में या गादी में इंजरी हो सकती है। दूसरा, घुटने के अंदर घिसारा, जिसको घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो हो सकता है। तीसरा, जो आपके पाँव की हड्डी, पाँव की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, जिसको मसल एट्रोफी बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा जिन लोगों को ACL लिगामेंट की इंजरी होती है उनकी जो थाई मसल्स होती हैं वो पतली पड़ जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो इस कारण से होती हैं कि वो सर्जरी लंबे टाइम तक डिले करती गई हैं और उसके कारण से जो है क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होती हैं उनमें एट्रोफी हो जाती हैं, वो मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों से आज शेयर करूँगा, आप जब भी ये सर्जरी कराने का निर्णय लें तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप सर्जरी करा रहे हैं और जिन डॉक्टर के पास आप सर्जरी करा रहे हैं वो खुद ही आपकी सर्जरी कराने वाले हैं या नहीं। आजकल ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि जहाँ पर भी आप जाते हैं, जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो हॉस्पिटल आपको इस सर्जरी के नाम पर एडमिट कर लेता है और फिर पीछे से जो है कोई और डॉक्टर आपकी आके सर्जरी करके जाता है। तो ये चीज़ एक ज़रूर कंफर्म कर लें कि जहाँ पर भी आप सर्जरी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं, वो और सर्जरी आपकी कौन डॉक्टर एग्जैक्टली करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि वो ज़रूर इंश्योर कर लें कि कौन डॉक्टर हैं, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनकी जो जो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो ज़रूर एक बार आप एज अ पेशेंट अच्छे से स्टडी कर लें। दोस्तों, अगर आपको ACL लिगामेंट इंजरी है और आपको ACL लिगामेंट की टाइमिंग के विषय में और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।